सपा पार्टी में चाचा भतीजे के विवाद से हर कोई वाकिफ है। विवाद के चलते शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर भले ही प्रगतिशील सपा पार्टी बना ली हो, लेकिन इटावा में हुए चौधरी चरण सिंह जयंती के मौके पर कार्यक्रम के दौरान मंच पर उनका दर्द झलक उठा। उन्होंने एक कविता के जरिए अपने दर्द को बयां किया और लोगों ने इस कविता सुन जमकर तालियां बजाई। वीडियो में आप खुद ही देखिए किस तरह से शिवपाल ने अपना दर्द बयां किया है। कहूं मैं होकर बड़ा साये में चला और जैसे ढाला वैसे ढला, दौर था काला घना है मैं तब भी न डरा, धूप में बरसात में काली अंधेरी रात में संग संग चला दुश्मन से लड़ा। हूँ आज भी संग उनके खड़ा, हूँ आज भी संग उनके खड़ा, अब और क्या करूँ मैं। वो मंजर याद है कुचला में गया रौंदा में गया, क्या अपराध था, यही अपराध था कि मैं उनके साथ था। और क्या क्या सहूं मैं, क्या चुप रहूं, तो आप सब लोग हमारे संग हैं। शिवपाल यादव के इन शब्दों से उनके दिल का दर्द झलक आया और ऐसा हो भी क्यों ना, सपा पार्टी से उनका जुड़ाव बड़ा गहरा जो है। हालांकि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पार्टी की पहली प्रत्याशी अनामिका का नाम भी ऐलान कर दिया। नाम का मैं राष्ट्रीय कवि है, आज उन्होंने हमारी पार्टी को मैं शामिल हुई है और आज हमने उनको प्रत्याशी पार्लियामेंट के चुनाव बनाना है। करुणा ठाकुर के साथ रोहित सिंह चौहान की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, इटावा।